गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 हिंदी में आज हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग हिंदी ग्रामर में समास पे चर्चा चल रही थी, जिसमें अव्ययीभाव समास पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तत्पुरुष समास पे चर्चा चल रही थी, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम कर्म तत्पुरुष समास पे चर्चा कर चुके हैं, करण तत्पुरुष समास पे चर्चा कर चुके हैं। आइए हम लोग आज संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास तथा अंतिम नए तत्पुरुष समास पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या नियम है, इसमें हम पहले जान लेते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बारे में हम जानते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास के दूसरे पद को हटा देने से पहले पद की वास्तविकता, उसका अर्थ समाप्त हो जाता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में चिन्ह के द्वारा हम कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, नए तत्पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पय पर ऊपर संबोधन भोहे अरे ओ पे चर्चा होती है, जिसमें केवल 7 तत्पुरुष समास आते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष और अंतिम है नए तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद न लगा हो, नकारात्मक हो, वह नए तत्पुरुष समास होता है। आइए हम तीसरे में चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास पे, जिसमें थोड़ी बहुत चर्चा हो भी चुकी थी। जैसे मैंने बताया था उदाहरण में संप्रदान तत्पुरुष समास का, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्ह को के लिए का लोप हो जाए, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक दो उदाहरण देख लेते हैं, कल इस पे चर्चा हो गई थी, थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे देशभक्ति, गुरुदक्षिणा, पुण्यदान, युद्ध क्षेत्र, जैसे देशभक्ति, पुण्यदान, गुरुदक्षिणा समास विग्रह कर लेते हैं। देशभक्ति देश के लिए भक्ति, दूसरा है पुण्यदान पुण्य के लिए लिए दान, गुरुदक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। प्रत्येक उदाहरणों में हम देख सकते हैं गुरु के लिए, पुण्य के लिए या देश के लिए, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। तो गुरु के लिए क्या है, दक्षिणा, दूसरा पद प्रधान दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आगे चलते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास की ओर। आइए चलते हैं चौथे अपादान
तत्पुरुष, तत्पुरुष समास की ओर। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, जिस समास में, जिस समास में दूसरा पद पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से या अलग होना, अलग का लोप हो जाए, लोप हो जाना मीन्स हटा देना, का लोप हो जाए वहां, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे आइए उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे श्राप मुक्त, लक्ष्य भ्रष्ट, धर्म विमुख, भयभीत। जैसे शब्द है भयभीत, भयभीत, भय माने होता है डर, भीत माने डरा हुआ, माने डर से डरा हुआ, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। आइए देखते हैं, भय से, भय से डरा हुआ, या कह सकते हैं डर से डरा हुआ, डर से डरा हुआ। से यहां पे दिखाई दे रहा है, डर को छोड़ करके अलग हो गया है, डर से डर चुका है। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग, भ्रष्ट हो गया। यहां पर भी से अलगाव के अर्थ में है, तो जहां पर दूसरा पद प्रधान हो और से विभक्ति का लोप दिखाई दे वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। आइए चलते हैं हम लोग संबंध तत्पुरुष समास में। संबंध पांचवा तत्पुरुष समास के भेद हैं, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह हम जानते हैं पहचानने के लिए, का के की, का के की, ये इसका चिन्ह है। कहने का तत्पर संबंध का के की, जहां पर का के की का लोप होता हुआ दिखाई दे वहां पर संबंध तत्पुरुष समास है, दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। चलिए देखते हैं उदाहरण में और परिभाषा में आइए। परिभाषा क्या कहती है? जिस समास का, जिस समास का दूसरा पद, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा अलगाव, दूसरा पद प्रधान हो तथा से चिन्ह का, चिन्ह का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। जैसे, जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे एक सबसे उपयुक्त उदाहरण आता है, राज पुरुष, राज पुरुष, अर्थ हो जाएगा इसका समास विग्रह राजा का पुरुष। पुरुष का अर्थ यहां पे सेवक भी होता है, पुरुष का अर्थ यहां पे सेवक भी हो जाएगा, राजा का पुरुष या राजा का सेवक। तो राज पुरुष, राजा का पुरुष,
उसी प्रकार से उदाहरण में हम देख सकते हैं राजा का, यहां पर का जो दिखाई दे रहा है वह लोप होकर के राजपुरुष शब्द बनता है। जहां पर विभक्ति में का के की के चिन्ह का लोप हो तो राजा का क्या है तो पुरुष, पुरुष माने सेवक, राजा का सेवक है। दूसरा पद प्रधान दिखाई दे और पहले पद में को का के की, सॉरी को नहीं, का के की का लोप होता हुआ दिखाई दे, वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। संबंध तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण में आते हैं। कला मर्मज्ञ एक शब्द है, उदाहरण में आइए। कला मर्मज्ञ, कला मर्मज्ञ माने कला का जानकार, या कह सकते हैं कि कला का मर्मज्ञ माने कला को भली प्रकार से जानने वाला। समास विग्रह करेंगे हो जाएगा कला का मर्मज्ञ या मर्मज्ञ या जानकार, कला का मर्मज्ञ या जानकार, कला को भली प्रकार जानने वाला। यहां पर का जो शब्द दिखाई दे रहा है इस का शब्द के चिन्ह का लोप हो गया, विभक्ति चिन्ह है का संबंध का, तो इसलिए यहां पे संबंध तत्पुरुष समास। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। द्वीप समूह लखपति राष्ट्रपति एक उदाहरण है सबसे अच्छा हमारे पास। राष्ट्रपति, पति मीन्स स्वामी, क्या हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र या देश, राष्ट्र का स्वामी, देश का, पूरे देश का स्वामी। यहाँ पे का विभक्ति का लोप होकर के यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हुआ। आइए हम चलते हैं आगे अधिकरण तत्पुरुष समास की ओर। अधिकरण तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा। परिभाषा क्या है, परिभाषा ध्यान दिया जाए तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्हों में पै पर और ऊपर, में या ऊपर, में या पर, इन चार शब्दों में से कोई विभक्ति चिन्ह दिखाई दे, में पै पर या ऊपर, इनका लोप होता हुआ दिखाई दे, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे परिभाषा लिखते हैं जिस समास में, जिस समास में या पै या पर या ऊपर चिन्ह का, चिन्ह का लोप दिखाई दे, लोप दिखाई दे, वहां अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। चलिए उदाहरण में आते हैं इसके। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और चिन्ह में पै पर ऊपर में से कोई दिखाई दे, ऐसे चिन्ह का लोप दिखाई दे, वहां पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आइए उदाहरण में चलते हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कला प्रवीण एक उदाहरण है। कला प्रवीण शब्द बनेगा कला में
प्रवीण, कला में प्रवीण माने कला का जो मर्मज्ञ है, ज्ञानी है। यहाँ पर में शब्द के में चिन्ह को हटा दे करके शब्द बन गया कला प्रवीण, कला प्रवीण शब्द बना कला प्रवीण, इसलिए यहाँ पे अधिकर्ता पुरुष समास। आगे हैं जैसे एक उदाहरण आप बीती, आप बीती एक ही शब्द है, अर्थ बनेगा इसका अपने पर या अपने ऊपर बीता हुआ, अपने पर बीता हुआ। यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है में पै पर ऊपर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की नाने ली रा ली अधिकरण में पै पर और ऊपर। तो में पै पर ऊपर पर मिल गया मुझे, पर मिल गया शब्द बन गया पर भी हटाने पर आप बीता हुआ माने अपने पर बीता हुआ, तो आप बीती। इस प्रकार यहाँ पे अधिकर्ता पुरुष समास। एक उदाहरण और देखते हैं ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न शब्द इसका समास विग्रह होगा, ध्यान में मग्न। यहां पर मे चिन्ह का लोगो दिखाई दे रहा है, शब्द बना ध्यान मग्न। उसके बाद आते हैं हम अंतिम अपने अधिकरण तत्पुरुष के अंतिम उदाहरण में लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक मीन्स समाज में लोगों के द्वारा जो प्रिय है, अर्थात लोक में प्रिय, लोक माने संसार, क्या हो जाएगा लोक प्रिय शब्द है, लोक प्रिय, लोकप्रिय अर्थात लोक में प्रिय शब्द बनेगा लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। यहाँ पे पे सॉरी में प्रिय, लोक माने संसार, संसार में प्रिय, तो संसार में जो प्रिय है वह लोक में प्रिय है, लोकप्रिय शब्द हो गया। उसके उच्चारण के लिए में चिन्ह का लोक होता हुआ दिखाई दिया, इसलिए यहाँ पे अधिकार तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं नए तत्पुरुष समास की ओर, अंतिम तत्पुरुष समास के सातवें प्रकार की ओर। तत्पुरुष समास के कुल सात प्रकार, पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, फिर संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और अंतिम सातवां नए तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आइए इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। नए तत्पुरुष समास क्या है तो हम जानते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास के दूसरे पद के हटा देने पर पहले पद के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस प्रकार समास के कुल तत्पुरुष समास के सात प्रकार हो गए नए तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा में हम आते हैं तो दूसरा पद तो प्रधान होगा ही, जिस समास का एक थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें, तो जिस समास का पहला पद जानते हैं, दो शब्द जोड़े जाते हैं, पहले शब्द को पहला पद कहा जाता है, जिस समास का पहला पद न अर्थात नकारात्मक निगेटिव, नकारात्मक माने न लगे हो, निगेटिव हो, नकारात्मक हो वहां पर उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण को देख सकते हैं, उदाहरण जैसे
न इच्छा। उदाहरण क्या है? न इच्छा, अर्थात क्या हो जाएगा? न, न नकारात्मक मिल गया, इच्छा इच्छा मिल गया, तो न के जगह पे हो जाएगा अन, अन या न। इसमें हम जानते हैं कि कहीं हम अ को जोड़ते हैं तो कहीं हम अन को जोड़ते हैं। जब हम अन को जोड़ेंगे तो अन का ई ई में लग जाएगा, तो बन जाएगा न की जगह पे अन प्लस इच्छा, ये बनेगा। और न ह्रस्व है तो ई की मात्रा इसमें लग करके हो जाएगा अ नी छा, ये शब्द बन जाएगा हमारा अनिच्छा। ये है समास नए तत्पुरुष समास का। आइए दो चार उदाहरण हम और देखते हैं नए तत्पुरुष समास के लिए। अगला उदाहरण है नए तत्पुरुष समास का, न उचित। शब्द है न, न उचित, न उचित माने जो उचित है नहीं है, जो ठीक नहीं है, तो न के स्थान पे अन हो जाएगा या अ हो जाएगा, तो न उचित को क्या हो जाएगा? अन कर लेंगे, अ न हलन न के स्थान पर और उचित के स्थान पर उचित कर लेंगे। छोटा उ लगा हुआ है तो न में उ लग करके नु बन जाएगा, क्या बनेगा? अनुचित, ये शब्द बनेगा अनुचित। अगला उदाहरण है देख लेते हैं, न स्थिर, न स्थिर। अगला उदाहरण है न स्थिर, न स्थिर। न स्थिर, न के जगह पे हो जाएगा अन, अन की जगह पे अस्थिर, न की जगह पे अ हो जाएगा, स्थिर ह्रस्व है ही तो स्थिर हो गया, ये हो जाएगा अ स्थिर, अ स्थिर, ठीक है, अ स्थिर हो जाएगा। अगला उदाहरण है हमारे पास न सत्य, न सत्य, जो सत्य है नहीं है, तो न के जगह पे अ लग जाएगा, अ सत्य बन जाएगा अ सत्य, असत्य शब्द बनेगा असत्य। चलिए आगे आते हैं, हम एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, न देखी, न देखी। इसमें भी न नकारात्मक है तो पहला शब्द नकारात्मक होकर के हो गया न देखी, न की जगह पे अन हो गया अन देखी, अन अन देखी। चलिए आगे चलते हैं फिर हम कर्मधारय समास की ओर। आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग फिर कर्मधारय समास पे चर्चा करेंगे, समास के तीसरे प्रकार कर्मधारय समास पर, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के सात भेदों पर चर्चा हो गई। नेक्स्ट डे हम तत्पुरुष समास के अन्य सभी विभक्तियों पर चर्चा करते हुए आगे नए समास कर्मधारय समास पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।